हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इमरान और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टेली मनी में अपना अकाउंट कैसे ओपन करें अपने मोबाइल से। तो प्लीज़ इस वीडियो में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले टेली मनी वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैं कैसे इंस्टॉल करना बता रहा हूँ यहाँ से। जैसे आपको ये प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है टेली मनी। यहाँ पे लिख के आ गया टेली मनी ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ, बस इसको ओपन करना है। इस तरह से आपका इसका टेली मनी का ऐप ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है साइन इन। साइन इन का मतलब ये होता है कि आपके पास आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड सब पहले से आप बना रखे हैं, तो बस इसमें क्लिक करके आपको वो यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है रजिस्टर। टेली मनी का एटीएम आपके पास है तो आपको बस इसमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करके आप यह ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे लिखा है ओपन ए टेली मनी अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मुझे टेली मनी का अकाउंट ओपन करना है तो इसको ओपन करके यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे दो बॉक्स बना है, इसमें टिक लगाना है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर नीचे जाना है पूरा। फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा ये। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना अवसर का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम पासवर्ड, फिर दिखाता हूँ आपको। अवसर का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे एक कैप्चर यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8944। यहाँ पे ये डालने के बाद फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेकंड वाले पे ओपन हो जाएगा, एसएमएस वेरीफाई वाले पे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। ये देखिए ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पे सब इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक पूरा ये भर के आ जाता है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालना है आपको। यहाँ पे ईमेल डालने के बाद यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ ये टिक लगा देना है इसमें बॉक्स में। उसके बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे वो ओटीपी डाल देना है। यहाँ पे ये ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो आप ये यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर पर्सनल प्रोफाइल। आप यहाँ पे सिंगल है, मैरिज जो है, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जिसका मैं आईडी बना रहा हूँ मैरिज है, यहाँ पे मैरिज पे क्लिक कर देता हूँ उसको। यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ, इस कंट्री में पैदा हुए हैं, यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये इंडिया के, मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडिया है, इसको चूज़ कर लेते हैं। टाइप ऑफ डबल क्लिक, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे उनका पूरा हर शहर का नाम आएगा, तो जिस शहर के रहने वाले हैं यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप अपना कोई भी सिटी कोई चुन लेंगे, जैसे मैं इनका मुंबई डाल देता हूँ बस। फिर मुंबई आ गया, मुंबई पे क्लिक कर देते हैं। एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पर सेलेक्ट करके आप कितना पढ़े लिखे हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे उनका नाम डालना है, यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे सेकंड नेम, यहाँ पे थर्ड नेम, आपको जो मर्जी में यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैं इनका डाल दिया, यहाँ पे इनका नाम शिव है, शिव कुमार, इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे लिख दिया हूँ।
ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप टाइप, इस पर क्लिक करना है, वाइफ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है उनका, यहाँ पे लिखा है होम फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे अपने घर का फ़ोन नंबर डालना है, डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ लिखा नेशनल एड्रेस, प्रोवाइड एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर योर होम टाउन, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सऊदी अरबिया चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी चूज़ कर लेना है, स्टेट में यहाँ पे 0 डाल देना है, यहाँ पे सऊदी अरबी डालना है, अपने सिटी का नाम डालना है, स्टेट में 0 डाल देना है, यूनिट में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके इधर का एरिया का जो जिप कोड है वो डाल देना है, यहाँ पे बॉक्स नंबर यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे टिक लगा देना है। आपके पास कोई बैंक अकाउंट अगर है किसी बैंक में भी, तो यहाँ पे उसको ओपन कर देना है, आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे इसको चूज़ कर लेना है, तो यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करना है आपका कौन सा बैंक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मुझे अलराजी का इसमें बैंक है तो मैं अलराजी वाला यहाँ पे है इसमें क्लिक कर देता हूँ, बस ये एक चूज़ कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आना है, एम्प्लॉय पे रहने देना है, यहाँ पे लिखा है सेक्टर, इस पर क्लिक करना है, प्राइवेट एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना जॉब सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ड्राइवर है, मैं ड्राइवर का कर रहा हूँ तो यहाँ पे ड्राइवर चूज़ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे उसका नाम डालना है ड्राइवर का, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे ड्राइविंग लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आना, यहाँ पे आपकी इनकम कैसी मिलती है, सैलरी, यहाँ पे सैलरी मिलती है, यहाँ पे सैलरी चूज़ कर लेना है, यहाँ पे एडिशनल इनकम की रेंडर वाले पे चूज़ कर लेना है, आपकी इनकम कितनी महीने की है यहाँ पे वो लिख देना है, जैसे कि कम से कम 6,000 तो डाल ही देना चाहिए, भले कम रहे तो क्या, लेकिन 6,000 डाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, ताकि आप कभी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिशनल मंथली यहाँ पे भी 6,000 डाल देना है, ट्रांसफ़र पे रहने देना है, ईयरली अकाउंट यूजिंग, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिखा है सेट ए पासवर्ड फॉर योर ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, तो यहाँ पे आपका कोई जो बैंकिंग जो आप यूज़ करेंगे मोबाइल बैंकिंग, उसमें कौन से पासवर्ड से आप लॉगिन होंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना लिख देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनका कन्फर्म पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड ऊपर डालेंगे वही पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है सेम। यहाँ पे देख लेना है एक बार, ये अगर ये ग्रीन हो जाएगा तो ही ये पासवर्ड ये होगा, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सबमिशन विजिट ANB स्मार्ट ब्रांच और द नियरेस्ट ANB ब्रांच टू प्रिंट योर कार्ड, आप यहाँ से अपने आप नज़दीकी कोई ब्रांच में जाके अपना कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा सबमिट अप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आएगा टेली मनी एक्सप्रेस अकाउंट, थैंक यू फॉर ओपनिंग ए अकाउंट विथ ANB एंड वी लुक फॉरवर्ड द मीट योर फाइनेंशियल नीड्स। यहाँ पे देखने बाद यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट आ रहेगा, कस्टमर IBN नंबर, कस्टमर नंबर, कस्टमर अकाउंट, ऑनलाइन यूजर नेम, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पूरा ये ओपन हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस तरह से ये पूरा हो, देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर पूरा शो हो जाएगा, आपका अकाउंट नंबर ID नंबर जो भी रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इस तरह से आप ये नीचे लिखा यूज़र नेम, ये यूज़र नेम डालेंगे और ये जो पासवर्ड डालेंगे आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा।